So in this video, we are going to start the new topic, that is vectors and scalar. So vectors, all physical quantities, all measurable physical quantities are, can be divided into two classes. Number one is scalar quantity and vector quantities. जितने भी physical quantities हैं, physical quantities जिसको हम लोग measure कर सकते हैं, उसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, स्केलर क्वांटिटी में और वेक्टर क्वांटिटी में. अब देखते हैं व्हाट इज स्केलर्स. द फिजिकल क्वांटिटी और क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शंस आर कॉल्ड स्केलर्स. मतलब वैसे क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इस तरह के क्वांटिटीज को, फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग कहते हैं स्केलर्स. They have no directions. For example, mass, length, distance, time, density, work, specific heat, temperature, charge, and etc. All these quantities do not have any direction. They have only magnitude. जैसे mass का magnitude kg, length का meter, kilometer, distance का भी meter, time का second. इस तरह से सभी quantities के सिर्फ magnitude होते हैं, direction नहीं होता. नेक्स्ट क्वांटिटीज जो हमारा कंसर्न है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए, दैट इज वेक्टर्स. द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच पोजेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर्स. द एग्जांपल ऑफ वेक्टर्स आर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेट्रा. मतलब इतने जितने भी क्वांटिटीज हैं, इन सभी के मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी होते हैं. वेक्टर्स आर एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड मल्टीप्लाइड अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ वेक्टर्स ऑफ अलजेब्रा. इसे कहने का मतलब है कि वेक्टर्स को स्केलर की तरह हम लोग सिंपल मैथमेटिकल रूल की तरह एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते हैं. इसके लिए हमारे वेक्टर अलजेब्रा में कुछ स्पेशल रूल्स हैं, जिस रूल्स को हम लोग इस चैप्टर में आगे हम लोग पढ़ेंगे. नेक्स्ट आते हैं हम लोग कुछ वेक्टर्स को हम लोग डिफाइन करेंगे, उससे संबंधित प्रॉब्लम्स को देखेंगे. सो फर्स्ट इज द पोजीशन वेक्टर. सो व्हाट इज अ पोजीशन? एज वी नो दैट पोजीशन मींस टू से व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ एनी क्वांटिटी. सो इफ वी ड्रॉ ए एरो विथ इट्स टेल एट पॉइंट ओ, टेल इसका पॉइंट ओ पे हो, ओरिजिन, एंड एरो हेड एट ए, देन द वेक्टर ओ इज कॉल्ड पोजिशन वेक्टर्स. दैट मीन्स इफ ए इज ए पॉइंट ऑफ एनी पार्टिकल एंड इट इज ड्रॉन एट सर्टन पॉइंट इन ए स्पेस एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, वेयर ओरिजिन इज सिचुएटेड इन द एक्स वाई प्लेन, देन दिस डिस्टेंस ओ ए is called position vector because it has direction as well as magnitude. So what is position vector gives? It gives the straight line distance of object from the origin starting point. Number two, it gives the direction of object with respect to the origin, and O is also represented by vector r, small r. The magnitude of position vector O is represented by mod of O or mod of r or small r. So OA, mod of OA or mod of OR or r is the length of vector OA. Next is how to denote, how to note the notation of a vector. So if A is any vector, it is denoted or represented by A arrow sign. Iske upar mein hum log put karke isko denote karte hain. That is an arrow sign over the head of a magnitude of capital A. The modulus of vector A is equal to A, which is mod of A. The next is the important is the displacement vector. Figure को हम लोग बाद में देखेंगे, last में. What is displacement? तो displacement हम लोग जानते हैं कि पहले जैसे जानते हैं कि distance और displacement क्या होता है. Distance एक particular direction में किसी भी object का total final distance को हम लोग कहते हैं displacement. मतलब डिस्प्लेसमेंट में हमारा डायरेक्शन होना इंपॉर्टेंट है. और डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस हमारा होता है कि टोटल जो पार्टिकल या ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस या ये पार्टिकल मूव करता है उसके टोटल डिस्टेंस को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं.
So drawing an arrow from initial point A of a particle, its final position B. So this is the initial point and it is the final point B, and we are going to move A to B from the direction C. This is the first, and the second is we are going to A to B by a L, M and then B. So drawing an arrow from the initial position A from the particle to its final position B, then the vector AB, this vector AB so drawn is called displacement of particle is going from point A to point B. The displacement of particle is defined as the change in the position of the particle in a particular direction and is given by vector drawn from its initial position to its final position. Displacement is a vector as it possesses both magnitude as well as direction, so it has a unit of length. Since it has the vector quantity, so the magnitude jo hoga wo length ka hoga, but direction hoga jo uske particular ko motion ko denote karega. In case of particle move from point A to B, then the displacement of particle is denoted by BA. If particle is moving from B to A, then जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उस डायरेक्शन में एरो साइन को हम लोग डिनोट करते हैं. सो यहां मोशन हमारा बी टू ए हुआ, सिर्फ बी ए. और अगर ए टू बी हो तो ए टू बी हमारा. तो इस तरह से अगर दोनों को हमको इक्वेट करना हो यहाँ पे, तो इस केस में हमको यूज करना होगा ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी. अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स का कि इफ द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट इज सेम, अगर पार्टिकल अगर ए से स्टार्ट करता है बी जाता है और बी से स्टार्ट होने के बाद बी को मूव करने के बाद अगेन ए पे लौट जाता है, दैट इज इट रिटर्न बैक टू द पॉइंट ए, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज जीरो बिकॉज देर इज नो डिस्टेंस ट्रेवल्ड दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन. डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में इसमें कोई मोशन नहीं हुआ, ये बैक टू अपने ही फाइनल पोजिशन पे आ गया, इसलिए इसका डिस हो गया जीरो. अब अगर हम लोग इसको एज ए पोजिशन वैक्टर को दो पार्टिकल के रिस्पेक्ट में मूव करना चाहें, तो पोजिशन वैक्टर एट पॉइंट ये दिस इज ए विच इज द पोजिशन वैक्टर एट टी, एंड दिस इज बी पोजिशन वैक्टर ऑफ टी डैश. सो ए बी डिनोटेड बाई डिस्प्लेसमेंट. And what is the relation between position vector of A, B and displacement vector? ये हम लोग triangle law of vector addition जब हम लोग पढ़ेंगे vector addition में, तब इसको हम लोग details में study करेंगे कि इस तीनों के बीच में क्या relation है. So that's complete the displacement vector. Now next is the general vectors. OA represent the position vector of the object at any time t. Since we know that OA is the position vector of A at any time t, here the tail, that is tail which is at point O of the vector, signifies the origin of the point of observation, matlab ye point of observation ko show kar raha hai, while the tip A signifies the position of object in xy plane. Similarly in the case of vector AB, this is vector AB which represents the displacement vector, the tail A of the vector A is the initial position of object A at time t, while tip B tells the final position of the object at time t dash. मतलब शुरुआत में ये A point में था at time मान ले 2 second पे, और displacement हो जाने के बाद 5 second के बाद B position पर पहुंच गया, तो दोनों के respect में time हमारा अलग अलग यहाँ पे होगा. Now next define the some other vectors. Number one is polar vector. The vector representing the physical quantities such as velocity, momentum, force, etc., which originates from a point, such vectors are called polar vector. Number two is axial vectors. The vectors such as angular velocity, angular momentum, torque, etc., do not have a point of application. The rotational effect produced by them is represented along the axis of rotation of the object. Such vectors are called axial vectors. Now there are some fundamental definitions in the vector algebra. So number one is negative vector. The negative of vector is defined as the vector having the same length but drawn in the opposite direction.
मतलब सेम मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन उसका डायरेक्शन अलग होगा। जैसे अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, तो इसका सेम मैग्नीट्यूड मतलब सेम लेंथ का होगा दूसरा वेक्टर, लेकिन इसका डायरेक्शन जो होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ नेगेटिव ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट इज इक्वल वेक्टर्स। तो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, जैसे ए और बी है यहाँ पे, सो दे आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। दे हैव सेम डायरेक्शन एज वेल एज सेम मैग्नीट्यूड। को इनिशियल वैक्टर्स। को इनिशियल मीन्स दैट दो वैक्टर्स आर सेड टू बी को इनिशियल इफ हैव दे हैव कॉमन इनिशियल पॉइंट, दैट मीन्स दे स्टार्टेड फ्रॉम कॉमन पॉइंट ओ। सो हियर ए एंड बी हैव द कॉमन पॉइंट ओ, सो इट इज को इनिशियल वैक्टर्स। नंबर फोर इज को लीनियर वैक्टर्स। टू वैक्टर्स हैविंग इक्वल एंड अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स which either act along the same line or along the parallel lines in the same direction or along the parallel lines in the opposite directions are called collinear vectors. Collinear vectors को तीन जैसे हम लोग यहाँ define किए, तीन terms में हम लोग define कर सकते हैं। First is which either act along the same line, so they are acting in the same line, so A and B are collinear. Next is along the parallel lines in the same direction, they are parallel but they so they are collinear, and they are parallel but they are opposite direction. यहाँ पे same direction या opposite direction है, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, collinear vectors. Linear means एक ही line में हो. Next is the multiplication of a vector by a real number or a scalar quantity. Real numbers को हम लोग scalar quantity भी कह सकते हैं. So the multiplication of a vector a by a real number n is another vector n a of magnitude n times the direction and the direction same or opposite to that of vector a depending upon the whether n is positive or negative real number. That means कहने का मतलब हो गया कि अगर किसी वेक्टर्स में हम कोई रियल नंबर n को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये n जो है दो क्वांटिटी हो सकता है, n का वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है और ये क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो अगर नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो वो n टाइम्स वैल्यू को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, और अगर नेगेटिव होगा तो वो क्या करेगा, उसके डायरेक्शन को चेंज कर देगा, क्योंकि नेगेटिव हम लोग जानते हैं वेक्टर्स ए के आगे में अगर नेगेटिव साइन लगाते हैं तो मैग्नीट्यूड तो बढ़ेगा साथ साथ में उसका डायरेक्शन जो है ऑपोजिट हो जाता है। फॉर एग्जांपल इफ एन ए इज इक्वल टू कैन बी रिटन एज एन टाइम्स ऑफ वेक्टर ए एंड मॉड ऑफ एन ए इज इक्वल टू एन मॉड ऑफ ए। सो इफ एन इज पॉजिटिव रियल नंबर देन एन ए इज इक्वल टू एन मॉड ऑफ एन मॉड ऑफ ए। सो इफ एन इज इक्वल टू टू then NA is equal to 2A, then magnitude of becomes twice that of A, and if N is equal to minus of 2, if N is equal to minus of 2, then NA is equal to minus of 2A. तो ये इसके direction इसको 2 times increase तो कर देगा, लेकिन इसके direction को क्या कर देगा, opposite कर देगा। अब next video में हम लोग देखेंगे कि how vectors can be added, subtracted and multiplied. For that we have triangle law of vector addition, parallelogram law of vector addition, polygon law of vector addition, and then we are going to solve some problems related to the all the information or properties we have learned in this video and the second